सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भला कौन नहीं जानता, क्योंकि अमित जी जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जी हां, फिल्मी पर्दे पर अमिताभ जी की एक झलक फिल्म को हिट करा देती। अभिनय के मामले में अमिताभ जी का कोई जवाब नहीं, लेकिन आज हम आपको अमिताभ जी के राजनीतिक करियर के बारे में बताने वाले हैं। हालांकि हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि अमिताभ जी चुनाव भी लड़ चुके हैं, और सिर्फ लड़े ही नहीं बल्कि खूब सारे लिपस्टिक के ठप्पों से जीते भी थे। जी हां, लिपस्टिक के ठप्पे। सब्र रखिए, हम सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं ओपोई का हिंदी यूट्यूब चैनल। तो बात उस समय की है जब अमिताभ जी ने चुनाव लड़ने का विचार किया। अब अमिताभ जी की फैन फॉलोइंग भी तगड़ी हो चुकी थी, तो जीतने का भी कोई डाउट नहीं। ये तो पता था कि अमिताभ जी अगर चुनाव में खड़े होते हैं तो जीतेंगे ही, लेकिन ऐसा जीतेंगे ये शायद किसी को नहीं पता। तो हम बताते हैं आपको कि वो कैसे जीते। उन दिनों बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे। ऐसे में जब चुनाव संपन्न होने के बाद वोटों की काउंटिंग शुरू हुई तो चुनावी बक्से के अंदर से जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। जी हां, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा बक्से के अंदर से क्या निकला जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल इस चुनाव में अमिताभ को वोट की जगह लिपस्टिक का ठप्पा लगे बहुत सारे बैलेट पेपर मिले थे। दरअसल चुनाव लड़ने से पहले अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन चुके हैं और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। लाखों लड़कियां उन पर जान लुटाती। ऐसे में जब उन्होंने साल 1984 में कांग्रेस की तरफ से इलाहाबाद में चुनाव लड़ा तो हर कोई उनकी जीत की कामना करने लगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि अमिताभ कभी भी ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट सामने आया तो उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल एक्टर ने 1,87,000 वोटों से ये चुनाव जीत लिया था। वहीं उनकी जीत का ये आंकड़ा और भी ज्यादा होता अगर बैलेट पेपर पर लिपस्टिक के निशान ना होते। दरअसल अमिताभ की कई फीमेल फैंस ने उनको वोट तो दिया ही, साथ ही पेपर पर अपनी लिपस्टिक से किस के निशान भी बना दिए। करीब 4,000 वोट पर लिपस्टिक के निशान पाएंगे, जिसकी वजह से उनके ये वोट कैंसिल हो गए। फिर भी एक्टर ने जीत हासिल की। इस बात का जिक्र एक्टर ने खुद केबीसी में किया। वहीं इस चुनाव में जीत हासिल करने के बावजूद भी अमिताभ ज्यादा दिन तक यहां सक्रिय नहीं रहे और उन्होंने ये फील्ड छोड़कर पर्दे की दुनिया पर वापसी कर। बॉलीवुड के इस तरह के दिलचस्प किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।